शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म शानदार का हाल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के टाइटल शानदार जैसा ही होने वाला था। ऐसी उम्मीद थी फिल्म की स्टार कास्ट और फिल्म के मेकर्स को, लेकिन वाकई फिल्म का हाल हुआ फिल्म के गाने जैसा, यानी रायता फैल गया। और अब जब रायता फैल गया है तो शाहिद कपूर किनारे होते हुए नजर आ रहे हैं। यस, शाहिद कपूर हैज टेकन हिज स्टैंड। उन्होंने बात क्लियर कर दी है कि ही वॉज नेवर कन्विंस्ड अबाउट द स्क्रिप्ट। उनके एक बहुत ही क्लोज सोर्स ने ये बात रिवील की है। शाहिद कपूर इज नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट दिस फिल्म। वो पहले ही स्क्रिप्ट के लिए कन्विंस नहीं थे। उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंतेना की वजह से ही की थी। दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं और इसलिए उन्होंने फिल्म कर ली, जबकि फिल्म की स्टोरी लाइन उन्हें कोई खास पसंद नहीं आई थी। लेकिन शानदार के लिए वो इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि उनके करियर के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बल्कि वो ज्यादा दुखी है अपने पापा यानी पंकज कपूर की रेपुटेशन के लिए। पंकज साहब डज वेरी सिलेक्टिव वर्क। उनकी सभी रिसेंट फिल्म्स में उन्होंने क्विर्की कॉमेडी की है, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कॉमेडी का ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, ना कि पंकज सर की तारीफ हो रही है। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अ सन, क्योंकि उनके पापा इस बात से बहुत खुश नहीं होंगे। इसलिए अब शायद उस फिल्म के आसपास नहीं दिखना चाहते, बल्कि उससे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इट्स गुड फॉर शाहिद बट नॉट एट ऑल गुड फॉर पंकज कपूर, जिनके लिए ये फिल्म एक बैड नेम साबित होगी, जबकि वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा और सिलेक्टिव करते आए हैं।